कहाँ होगा मेरा जादुई मुखौटा? किसने लिया होगा मेरा जादुई मुखौटा? कौन था वो जिसने बवंडर की तरह मेरे सारे सुर हिला दिए? जो कोई भी था, मुझे पूरा विश्वास है कि उसी ने मेरा जादुई मुखौटा पहना था और इसके लिए मुझे उसे पकड़ना होगा। मुझे और हमेशा मैं क्यों गिरता हूँ? किसने गिरा? जिसने भी गिरा है वो मेरे सामने है। किसने? मैंने। शुक्रिया यंत्र। कौन तुम? छल, और छल को तुमने छला है। मैंने? हाँ, मेरा जादुई मुखौटा तुम्हारे पास है। लाओ मेरा मुखौटा, मुझे वापस दो। मेरे पास कोई मुखौटा नहीं है। छल को झूठे सुर बर्दाश्त नहीं है। मेरे यंत्र ने तुम्हारी ओर रोशनी की है, जिसका मतलब मुखौटा तुम्हारे पास ही है। दो मेरा मुखौटा वापस। हाँ, है मेरे पास तुम्हारा जादुई मुखौटा, लेकिन वो मैं तुम्हें वापस नहीं दूंगा। हट! मेरा मुखौटा मुझे वापस दो। नहीं, तुम्हें मैं वो मुखौटा तो नहीं दूंगा, बट हाँ, तुम्हें मैं ऊपर जरूर पहुंचाऊंगा। तुम्हारे सुरों की तरह तुम्हारा निशाना भी कच्चा है। मॉन्टू द ग्रेटेस्ट लखानी का निशाना कभी गलत नहीं होता। ऊपर देखो। मोहतरमा, तुमने मॉन्टू द ग्रेटेस्ट लखानी से पंगा लेकर बहुत गलत किया। तुमने अपना निशाना दिखा दिया, अब मेरे गुस्से का संकेत देखो। छोड़ो मुझे, छोड़ो, वरना मैं तुम्हें तोड़ दूंगा। छोड़ो। छल परी की पकड़ है ये, जिसे कोई नहीं तोड़ सकता। अब इतनी जोर से बांधूंगी तुम्हें कि तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। सूर्य पूर्णिमा खत्म होने को है और छल परी के आने का अभी तक कोई संकेत नहीं आया। डुबा डुबा भाइयों, देख लो तुम सब इस सुंदर नजारे को अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके, क्योंकि आएगी ये सूर्य पूर्णिमा अगली बार सीधे 100 सालों के बाद। 100 सालों के बाद? 100 साल? हाँ, देखो देखो। डूबा डूबा एक, देख कर नहीं चल सकते तो? इन सारी परियों ने तुम्हें इतना ज्यादा सिर पे चढ़ा के रखा हुआ है ना, लेकिन मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। नाराज परी, डूबा डूबा एक हमारे सेवक नहीं है, हमारे साथी है। आपको इनसे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। हाँ नाराज परी, डूबा डूबा एक तुमसे गलती से टकरा गया था,
इतनी छोटी सी बात के लिए इस पर इतना नाराज होना सही नहीं है। जाने दीजिए परियो, जाने दीजिए। ये तो होगी ही नाराज, आखिर है रखा इसलिए इनका नाम नाराज परी। हाँ मेरा नाम नाराज परी है और नाराज होना मेरा स्वभाव है। मेरा बस चलता ना तो मैं तुम्हें तुम्हारी गलती की सजा जरूर देती। अरे बस बस नाराज परी, डूबा डूबा एक आप लोग शांत हो जाइए। सूर्य पूर्णिमा के इस शुभ पल में इस तरह झगड़ा करना शुभ नहीं है। हाँ गालपरी बिल्कुल ठीक कह रही है ठीक। बालपरी है जाते हम बाहर देखने आगे का कार्य। बिल्कुल आप जाइए। चलो डूबा डूबा भाइयों। ये छलपरी का दिया हुआ यंत्र यहाँ क्यों गिर गया? किसी ने इसे देख लिया तो मुसीबत हो जाएगी। और इसमें तो रोशनी भी जल रही है, यानी छल परी जादुई मुखौटे के साथ परी लोक की तरफ आ रही है। छल परी को सुरक्षित यहाँ लाने के लिए मुझे बालवीर और परियों को यहाँ से हटाना ही होगा। लेकिन कैसे कैसे हटाऊं इन्हें यहाँ से, क्या करूं? बालवीर, बालवीर! मेहर, माँ, मेहर मुझे पुकार रही है, मुझे उसके पास जाना चाहिए। ठीक है बालवीर, आप जरूर जाइए। अच्छा हुआ हमारी सबसे बड़ी मुसीबत बालवीर यहां से चला गया, अब इन बाकी परियों का सामना तो छल परी आराम से कर देगी। तुमने मोंटू को बांधा हुआ क्यों है? इसे यहाँ क्यों लाई हो? ताकि मैं अपने जादुई मुखौटे को महाशक्तिशाली बना सकूं, जो इस वक्त मोंटू के चेहरे पर है। जादुई मुखौटा? लेकिन छल परी, उस जादुई मुखौटे को तो हमने सालों पहले दफना दिया था, वो तुम्हारे हाथों कैसे लग गया? यह संभव है? छल परी के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। और अब तुम सब देखो कि कैसे मैं इस मुखौटे की मदद से बुराई की जीत करवाती हूँ। छल परी, अगर तुम अपने प्राण बचाना चाहती हो तो आजाद कर दो मोंटू को, और उसके चेहरे पे लगे हुए जादुई मुखौटे को निकालकर हमें वापस कर दो, यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। भूल मत छल परी कि तुम इस समय परीलोक में हो और हमारे रहते तुम ये कभी नहीं कर पाओगी। छल परी कभी कच्चे सुर नहीं लगाती परियों, क्योंकि छल परी की बुराई के संगीत का समान उसके पहुंचने से पहले ही पहुंच जाता है। छल छल लल छल छल लल छल Ha ha ha!
परी की बुराई की आंधी को कोई नहीं रोक सकता परियो, कोई नहीं। अब तुम सब भी अपनी साथी परियों की कोई मदद नहीं कर पाओगी। सूर्य पूर्णिमा समाप्त होने ही वाली है। मुझे मुखौटे को और ज्यादा महाशक्तिशाली बनाने के लिए जल्द से जल्द मोंटू के चेहरे से निकालकर उसमें सूर्य की ऊर्जा सोखनी होगी। मानव महर, अगर ये कंपटीशन बंद हो गया तो इसके जिम्मेदार तुम दोनों हो गए। लेकिन सर, हम सच कह रहे हैं बालवीर। हाँ बालवीर, सच तो ये है कि मोंटू हमसे ये सब करवा रहा है। अगर ये बात सच है तो मुझे कुछ भी करके मोंटू के ऊपर से वो जादू को हटाना होगा। लेकिन मोंटू है कहाँ? मोंटू, रोहित केवल यहाँ आओ, जल्दी आओ, रोहित केवल यहाँ आओ। मैंने कुछ नहीं किया बालवीर जी। हाँ बालवीर जी, मैंने भी कुछ नहीं किया। मैं जानता हूँ रोहित केवल, लेकिन मुझे सच सच बता कि मोंटू के ऊपर किस जादुई शक्ति का असर है, वरना बता दो बालवीर जी। बालवीर जी, मोंटू बॉस को एक जादुई मास्क मिला गिरा हुआ, और वो मास्क पहनते ही मोंटू बॉस एकदम से बदल गए। पर अपने हाथों से जादू करने लगे। देखा बालवीर, मैं सच कह रही थी। हाँ मेहर, आप सब चिंता मत कीजिए, मैं सब ठीक कर दूंगा। और सर, ये सब जो भी हुआ है वो सब मानो मेहर की वजह से नहीं बल्कि किसी और ने किया है, और मैं उसे पकड़ लूंगा। आप सब आराम से अपनी प्रतियोगिता शुरू कर सकते हैं। थैंक यू बालवीर, थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया बालवीर। बच्चों, आप सब लोग अपनी अपनी जगह पर बैठ जाइए।
बच्चों आप लोग भी अपनी जगह पर बैठ जाइए जल्दी। थैंक यू बालवीर। दोस्तों हम इस कंपटीशन को फिर से शुरू करने जा रहे हैं, तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए हमारे कंटेस्टेंट्स का। लेकिन ये जादुई मुखौटा मोंटू के पास आया कहां से? पर जो भी हो, इससे पहले मोंटू कुछ बुरा करे या किसी को परेशान करे, मुझे उसे ढूंढकर उससे वो जादुई मुखौटा लेना होगा। पूर्णिमा का सूरज ढल गया है परियों, और अब अच्छाई भी बुराई के अंधेरे में ऐसे ही ढल जाएगी। और इस मुखौटे के मेरे पास होने की वजह से बालवीर भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। सलाखों के पीछे यहां कैसे आ गए? हमारी बेहोशी का फायदा उठाकर छलपरी ने हमें यहां कैद कर दिया। इतना ही नहीं परियो, मैंने अपने यहां आने का मकसद भी पूरा कर लिया। मैंने अपने इस जादुई मुखौटे में सूर्य की ऊर्जा से इसे महाशक्तिशाली बना लिया है। और अब इस मुखौटे को मैं पृथ्वी लोक के हर बच्चे के चेहरे पे पहनाकर उसे अच्छे और सच्चे बच्चे से बुरा और शैतान बच्चा बना दूंगी। और इसकी शुरुआत मैं मोंटू से करूंगी। सावधान छल परी। अफसोस, तुम्हारा जादू अब इस मायावी पिंजरे के अंदर नहीं चल सकता, और अब मुझे कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोकेगा। छल परी, बालवीर तुम्हें रोकेगा और तुम्हारा अंत कर देगा। मैं मोंटू को कब से ढूंढ रहा हूं, लेकिन मोंटू मुझे कहीं नहीं मिल रहा है, और उसके ऊपर हुए जादू की वजह से मेरा भी जादू असर नहीं कर रहा है। कहीं मोंटू उस बुरी शक्ति की वजह से घायल तो नहीं हो गया? अगर ऐसा है तो मुझे जल्द से जल्द परियों को इसके बारे में खबर करनी होगी। कहां गया ये छोटा आदमी? आज इस आदमी ने कानून को अपने हाथ में लिया है, आज कानून इसको अपने हाथ में लेगा। लेकिन गया कहां? जान छूटी इस काले कानून से, और है लगता मुझे चला गया बालवीर पे। अब चलना होगा मुझे भी, और छीनना होगा वो जादू मुखौटा उस मोटे व्यक्ति के चेहरे से। बुराई की इस शतरंज में अब सच्चाई मुझे कभी मात नहीं दे पाएगी, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं।